बोल। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ आज अब शेयर कर रही हूँ मैं अपना आफ्टरनून रूटीन, लंच रूटीन कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रखूँगी राइस। राइस मैंने डेढ़ कटोरा रख दिया है और राइस कुकर में रखूँगी। मुझे उसका ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब घर में सबको अच्छा लगता है उसी का। कुकर में भी हम कभी कभी बना लेते हैं, पर हमारा राइस कुकर ख़राब हो चुका है, फिर भी हम ऐसे ही काम चला उसी में बनाते हैं। कभी कभी तो पूरा बन जाता है, कभी कभी नीचे आ जाता है, फिर उसको ऊपर उठाना पड़ता है। तो जो भी है लगभग बन जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ राइस और इसको धो लूँगी और उसके बाद इसको रख लेंगे हम लोग। तो गाइस यहाँ पर रख देंगे राइस कुक करने के लिए और हमारा राइस भी बनते रहेगा और हम बनाएंगे और लंच की तैयारी करेंगे, मतलब दाल सब्जी ये सब। तो आज मैं बना रही हूँ, देखो क्या बनाती हूँ। मैं सीधे आई किचन में और मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा चलो आज बना देते हैं थोड़ा सा मिक्स वाली दाल। ज़्यादा पूरी मिक्स नहीं, बस अरहर की दाल और थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, चना और उड़द, ये सब तीन दालों का मिक्स करके बनाऊंगी मैं। और ये दाल ना, मतलब जैसे हमारे गांव में ना जब रसोई में ये दाल बनती थी, बहुत टेस्टी होती थी, वो आग में बनती थी, तो उसी टाइप की बनाने की कोशिश की है मैंने। बनी तो बहुत टेस्टी थी गाइस, लेकिन जो टेस्ट गाँव में आता है वो टेस्ट नहीं आ पाया था, बट फिर भी बहुत टेस्टी लगी थी, सब लोगों को बहुत टेस्टी लगी थी। और यहाँ पर थोड़ा चना भी डालूँगी ना, चना डाल के क्या होता है दाल थोड़ा और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। चने की दाल मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, लेकिन ऐसी वाली पसंद नहीं है, बस खाली चने की जब मैं बनाती हूँ ना तो उनको बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर एक हाथ मार लूँगी। वैसे ना ये दाल में बिल्कुल भी कचरा नहीं रहता है, मतलब कुछ भी मिट्टी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि डीमार्ट से लेके आते हैं हम। डीमार्ट का जो भी सामान है बहुत अच्छा रहता है गाइस, जो आप लोग को पता है ना डीमार्ट का सारा सामान अच्छा रहता है। मेरे वहाँ पर ना राइस में कोई कचरा रहता है, ना दालों में कोई कचरा रहता है, मतलब बहुत अच्छा सामान आता है। फिर भी अपना मन की संतुष्टि के लिए एक बार देखना तो पड़ता ही है। चलिए फिर दाल रख देते उबालने के लिए। मैं डायरेक्ट रखूँगी और यहाँ पर मैं कट कर लूँगी टमाटर और इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर लूँगी और दाल का ना मैं जो फेस होता है वो निकाल देती हूँ, क्योंकि आजकल दालों में केमिकल वगैरह जो पॉलिश वगैरह लगी रहती है, तो उसके लिए अगर आप उबाल के इसका फेस निकाल लो ना तो दाल बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग भी ट्राई करना इस तरीके से, कौन कौन करता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर कट कर देंगे टमाटर दो तीन दाने। और दाल में अगर हम लोग लहसुन प्याज यूज़ नहीं कर रहे ना, तो टेस्टी बनाने के लिए टमाटर आपको ज़्यादा यूज करने चाहिए दाल में। जितना आप ज़्यादा टमाटर यूज करेंगे तो उतनी अच्छी टेस्टी दाल बनेगी आपकी, हमेशा इस बात को याद रखना और ट्राई करना एक बार, ठीक है? मेरा ये आइडिया, मुझे जब लहसुन प्याज यूज़ नहीं करते ना तो दाल में ज़्यादा टमाटर डालो तो बहुत टेस्टी। टमाटर के साथ ही मैंने हल्दी मिर्ची नमक सब इसमें ऐड कर दूंगी और एक साथ इसको डाल दूंगी जब मेरी दाल उबल जाएगी। जब तक दाल उबल रही है तब तक मैं ये सब मसाला तैयार कर लेती हूँ। और इसको पीसना नहीं है, बस ऐसे ही ऐड करना है। और इसमें थोड़ा सा मैं अदरक भी डालूंगी, क्योंकि जो उड़द की दाल होती है वो थोड़ा सा बादी होती है ना, तो उसमें अदरक वगैरह डाल के टेस्टी हो जाती है। और लहसुन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लहसुन से फिर मम्मी नहीं खाती ना, तो इसलिए एक ही दाल बनता है कि बार बार फिर अलग सा क्या बनाएं, इसलिए नहीं। तो इस दाल में लहसुन का तड़का भी बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं।
जब तक हमारी दाल का उबलती नहीं है, उसका फेस नहीं आता है, तब तक हम बनाएंगे आज कद्दू की सब्ज़ी, और वो है लाल कद्दू। और जैसे हमारे गांव में बनता है आज वैसे ही बनाऊंगी। इसमें डालूंगी भांग, और भांग मतलब ये जो भांग होता है वो जो नशे वाला वो नहीं, भांग एक हमारे वहाँ होता है जिसको सब्ज़ी में डाला जाता है, जिसका नमक बनाया जाता है, पहाड़ी लोगों को मालूम होगा, उत्तराखंड के लोगों को। तो मैं इसका छील लूँगी कद्दू को बाहर से, ये लाल वाला कद्दू है जो मम्मी एकादशी के व्रत के दिन खाती है उबाल के, तो ये बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको बना देती है। और जस्ट चटनी टाइप का बनाऊँगी, चटनी टाइप का खट्टा मीठा वाला होता है, ये कद्दू मीठा होता है ना, तो इसमें थोड़ा सा खट्टा डालेंगे, भांग का नमक डालेंगे, बड़ा टेस्टी होता है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है और एकदम चटनी जैसा लगता है। जिसको चटनी पसंद है ना तो उसको सब्ज़ी पसंद आएगी ज़रूर। तो देखिए दाल उबल चुकी है, इसका जो ऊपर का फेस रहता है ना वाइट कलर का, वो सब निकाल दूंगी। और उससे क्या होता है, दाल जो होती है ना हमारी उबाल भी नहीं आती है, बाहर जो आती है ना कुकर से बाहर वो भी नहीं आएगी। और इसको ना 2-3 सीटी लगाऊंगी मैं, बस हो गया, क्योंकि ज़्यादा गली हुई दाल भी अच्छी नहीं होती है, थोड़ा ऐसी वाली मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा दाने दाने वाली, मतलब पक जाए बस, लेकिन एकदम वो हलवा जैसी बन जाए वैसी वाली पसंद नहीं है। तो इसमें मैंने टमाटर वगैरह ऐड कर दिया है, आप चाहे तो इसमें तेल या ऊपर से घी भी डाल सकते हैं, पर ये अभी फेस निकाल दिया ना तो ये उबाल नहीं आएगी, तो इसको लगा देंगे ढक्कन, और बाद में लगाएंगे इसमें तड़का मस्त वाला, और इसमें आएगी सीटी, और जब तक मैं अपना कद्दू छील के उसकी सब्जी बना देती हूँ। तो गाइस यहाँ पर रख रही हूँ मैं कद्दू की सब्जी, और डाल दूँगी 1 चम्मच तेल, जैसे सब्जी नॉर्मल बनाते हैं ना कद्दू की वैसे ही बनानी है। लास्ट में इसमें मैं थोड़ा सा भांग का नमक, और वो डालूँगी नींबू या अमचूर पाउडर, जो आपके पास खट्टा अवेलेबल है वो डाल सकते हैं आप लोग। गाइस ये है भांग का नमक जो मैं आपको बोल रही थी ना, मैंने इसको ही डाला है कद्दू की सब्जी में, और कुछ अलग सा टेस्ट होता है यार। अगर किसी को खाना होना तो उत्तराखंड में जाना पड़ेगा और वहाँ से लेके आना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा दुकान में ये भांग। तो ये देखिए यहाँ पर सब कुछ बन के हो गया रेडी, और मैं इसमें डाल दूँगी ये कद्दू की सब्जी में थोड़ा सा आमचूर पाउडर, आप चाहे तो नींबू भी निचोड़ सकते हैं, आप खट्टा जो भी है आपके पास, इमली नींबू आमचूर पाउडर जो भी है खट्टा बनाने के लिए, क्योंकि ये जो लाल वाला कद्दू होता है वो मीठा होता है, आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो आपको पता होगा कि मीठा होता है, तो इसमें थोड़ा खट्टा डाल के ऐसे जैसे चटनी जैसा स्वाद आने लग जाता है। तो ये देखिए बन के हो गया है रेडी, और मैंने इसको एकदम स्मैश कर लिया इसी तरीके से। इसमें डाल देंगे अब धनिया डालूंगी मैं थोड़ा सा, और अभी दाल में लगा दूंगी मैं तड़का। तो सरसों का तेल लिया है मैंने, दाल बहुत टेस्टी बन गई थी उस दिन। मैंने आपको बताया था ना कि गांव जैसी दाल, तो गांव जैसी तो जैसे गांव में चूल्हे में बनती उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं, लेकिन टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर मैंने ना थोड़ा लाल मिर्ची भी ले ली इसमें तड़का डालने के लिए, जीरा हींग और राई और लाल मिर्ची, और सरसों के तेल में इस दाल को तड़का मारूंगी मैं। बस हो गया, तड़का लग गया है, अब डाल देंगे इसमें सबसे लास्ट काम, जब से टेस्ट जो लगता है जिससे हर चीज़ में टेस्ट आता है वो है हरा धनिया। हरा धनिया डाल देंगे दाल में और कद्दू की सब्ज़ी में, वो सब डाल के हमारा आज का जो लंच है सिंपल सा सादा सा एकदम हेल्दी सा लंच जो होगा वो रेडी हो जाएगा। और मैंने सैलड भी काट लिया है, प्याज और मूली काटी है, काकड़ी नहीं काटी क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा सर्दी जैसा हो रहा था ना, इसलिए काकड़ी नहीं काटा, वो ठंडा होता है, तो प्याज वगैरह तो वो खाते नहीं, प्याज और मूली नहीं खाते, अगर काकड़ी कटी होती ना तो काकड़ी खा लेते हैं, इसलिए मैंने वो नहीं काटा है। और यहाँ पर दाल में और इसमें धनिया डाल दिया मैंने डायरेक्ट,
बस लंच हो गया है रेडी, आप लोग भी आइए और खा लीजिए और मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना ठीक है मेरा लंच रूटीन आपको कैसा लगा। ये देखिए आपको दाल मैं पास से दिखा रही हूँ, इस तरीके से वाली दाल, खड़ी खड़ी दाल ऐसी वाली अच्छी लगती है मुझे, आप लोगों को कैसी पसंद है। और इसमें भी मैंने डाल दिया है धनिया और ये कद्दू की सब्ज़ी भी अच्छी हो रही थी। ये सैलेड हो गया और मैं आपको दिखाती हूँ राइस, राइस भी हो गया है रेडी। चलिए फिर आप लगा लेते हैं प्लेट और हो जाए खा लेंगे कर लेंगे फिर लंच। अब मैं वहाँ से लाई एक कटोरे में थोड़ा लंच भी अच्छे से प्लेटिंग कर लेते हैं इस तरीके से, बड़ा अच्छा सा लगता है ना कभी कभी ऐसा करना तो घर वाले मतलब जिसको देते हैं वो भी खुश हो जाते हैं और अपने को भी अच्छा लगता है इस तरीके से प्लेटिंग करना। ये देखिए दाल भी बन चुकी है, दाल में लगा देंगे चम्मच। और ये है कद्दू की सब्जी जो मेरी फेवरेट है, ये कभी कभी बनती है, कभी कभी नहीं बनती है मतलब कभी बन गई इस बार फर्स्ट टाइम, और साल में एक ही बार बनती है ऑलमोस्ट नहीं तो कद्दू की सब्जी वैसी वाली बनती है पर ऐसी वाली नहीं बनती। तो यहाँ पर देखो लंच का प्लेट हो गया है रेडी और आ जाओ जल्दी से आप लोग भी खाने के लिए गर्मा गर्म लंच। और अभी मैं एडिटिंग भी कर रही हूँ ना, कल मैंने फिर पूरी एडिटिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चे लोग ने परेशान करना स्टार्ट कर दिया था इसलिए। तो अभी ये देखो लंच का प्लेट हो गया है रेडी और आ जाइए हम लोग खा लेते हैं। तो गाइस यही था मेरा लंच रूटीन, कैसा लगा हो लगा है आपको ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और मुझे कमेंट कीजिए। और ये है लंच का प्लेट मैं आपको पास से दिखा रही थी, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।